नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि ERCP ये क्या प्रोसीजर है और कब इसकी आवश्यकता पड़ती है। ERCP का मतलब है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रियाटोग्राफी। ये एक दूरबीन से या एंडोस्कोपी से तकनीक है जिसके जरिए हम पित्त की नली और पैंक्रियास की नली, इसकी कोई भी दिक्कत हो, स्टोन्स हो, पथरियां हो, या फिर कोई रास्ते में रुकावट हो पित्त की नली की, या स्टेंट डालना हो उसके अंदर हम ये स्टेंट डाल सकते हैं या पथरी वगैरह को निकाल सकते हैं। ये एक जरिया है जिसके थ्रू हम पित्त की नली के अंदर भी जा सकते हैं, उसके बायोप्सीज करने की आवश्यकता हो तो वो कर सकते हैं। सो ERCP एक काफी कॉमन एंडोस्कोपिक टेक्निक है जो कि ऑलमोस्ट कई हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। इसके कई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी इसमें हो सकती हैं। तीन होती हैं मेनली, पैंक्रियाटाइटिस, परफोरेशन या ब्लीडिंग, लेकिन वो काफी कम में होती है, 1-5% के अंदर। जहां जहां इसकी आवश्यकता है वो वहां पे एक काफी बेटर और काफी अच्छी तकनीक है पित्त की नली की बीमारियों का इलाज करने के लिए। तो यदि आपके किसी पेशेंट को पित्त की नली की प्रॉब्लम है या पैंक्रियास की नली की प्रॉब्लम है तो उन पेशेंट्स को हो सकता है कि ERCP तकनीक की आवश्यकता हो और ये तकनीक से उनकी प्रॉब्लम का हल किया जा सकता है। थैंक यू।